आयुर्वेद को हर्बल उपचारों का खजाना कहा जाता है। आयुर्वेद में कई औषधियां हैं जो कि बीमारियों को ठीक करने में मदद करती हैं। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और औषधि जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। सदाबहार का नाम तो आपने सुना ही होगा और शायद देखा भी होगा। यह दो तरह का होता है, एक गुलाबी फूलों वाला और दूसरा सफेद फूलों वाला। हर मौसम में फूल खिलने के कारण इसे सदाबहार कहा जाता है। यह न केवल एक सजावटी पौधा है बल्कि एक जड़ी बूटी भी है जो कि कई रोगों में फायदेमंद है। इसके फूल व पत्तियां डायबिटीज के लिए बहुत ही उपयोगी है। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक कप प्रकार का विकार है जिसमें पाचन शक्ति तो कमजोर होने लगती है और ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इसके फूलों का रस इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। सदाबहार के फूल में एल्कोलाइड्स, एजमेलिसिन और सरपेंटिन नामक तत्व होते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आज मैं आपको डायबिटीज की समस्या को दूर करने के कुछ घरेलू नुस्खे बता रही हूँ। नंबर 1, एक खीरा, एक करेला और एक टमाटर, इन तीनों को गर्म पानी से धो लें और इनका रस निकाल लें। उसमें सदाबहार के 5-7 फूल और 4-5 नीम की पत्तियां पीसकर सेवन करने से डायबिटीज की समस्या दूर होती है और इससे शरीर के टॉक्सिन भी निकल जाते हैं। नंबर 2, सदाबहार की ताजा पत्तियों को सुखा लें और इसका पाउडर बना लें। इसके बाद इस पाउडर को सील पैक डब्बे में भरकर रख दें। इस पाउडर को रोजाना 1 चम्मच ताजा फलों के रस या पानी के साथ लें। इसका स्वाद थोड़ा कड़वा जरूर होता है पर शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नंबर 3, सदाबहार के गुलाबी रंग के फूल लेकर 1 कप पानी में उबाल लें और इस पानी को छानकर हर सुबह खाली पेट पिएं। इससे भी लाभ होता है। सुबह सुबह अगर इसके फूलों या पत्तियों से बनी हर्बल चाय पी जाए तो यह बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। नंबर 4, 1/2 कप पानी में 3 ताजा सदाबहार के फूलों को रात भर भिगोकर रख दें और फिर इन फूलों को पानी से निकालकर अगर रोज सुबह इस पानी को खाली पेट पिया जाए तो आपके शरीर में शुगर की मात्रा कम होती है। शुगर के मरीजों की अगर कहीं चोट लग जाए और उनके घाव अगर ठीक नहीं हो रहे हों तो इस रस को उस घाव पर लगाने से भी ये घाव ठीक हो जाते हैं। और अगर किसी को ततैया या बिरड़ काट जाए तो सदाबहार के पत्तों का रस निकालकर उस जगह पर लगा लें तो न तो सूजन आएगी और न ही दर्द होगा। पर ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ गुलाबी या सफेद फूलों वाले सदाबहार का ही उपयोग करिएगा।